अगली खबर है उल्लासनगर पुलिस के द्वारा आयोजित ब्लड डोनेट कैंप रखा गया था आज के दिन। महाराष्ट्र मित्र मंडल और उल्लासनगर पुलिस चौकी में यह डोनेट कैंप रखा गया था, जहां पर कई लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। आइए ज़्यादा जानकारी देते हैं ACP श्री राठौर साहब से, और वहां पर उपस्थित थे अमरनाथ के MLA श्री बालाजी केनिकर, उल्लासनगर के कई गणमान्य व्यक्ति, साथ ही साथ महेश सुखरामानी। यह कैंप दो जगह पर लगाया गया था, उल्लासनगर पुलिस चौकी और महाराष्ट्र मित्र मंडल के स्कूल में, जहां पर करीबन 506 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। यह ब्लड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है, उन बच्चों के लिए है जो थैलेसीमिया से पीड़ित है, उनको फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा यह ब्लड। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं उल्लासनगर पुलिस चौकी के वरिष्ठ अधिकारी श्री कदम साहब से। दो जनवरी पुलिस स्थापना दिन है, उस दिन महाराष्ट्र पुलिस की स्थापना हो गई थी, और वो स्थापना होने के बाद 7 दिन का हम सप्ताह रखते हैं, उसमें अलग अलग कार्यक्रम लेते हैं। वैसा ही आज 9 जनवरी को उल्लासनगर पुलिस स्टेशन से ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। वो जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा था वो उल्लासनगर के DCP श्री प्रशांत मोहिते सर, ACP श्री मोतीचंद राठौड़ सर, इनके मार्गदर्शन पर ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। उल्लासनगर शहर में थैलेसीमिया के पेशेंट बहुत सारे हैं, उनको ब्लड नहीं मिलता है। वो मेरे डॉक्टर से डिस्कस होने के बाद हमको मालूम पड़ा कि उनको ब्लड नहीं मिलता है, ब्लड का बहुत शॉर्टेज है। वैसे ही कोरोना का महामारी चालू है, उसमें ब्लड का बहुत शॉर्टेज है। ये देखते हुए हमारे DCP सर और ACP सर, उनके मार्गदर्शन पर आज ब्लड डोनेशन कैंप उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में रखा था। उसमें हमको जो उल्लासनगर शहर के सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, क्रीड़ा संस्था, NGO और युवा वर्गों ने अच्छा सहयोग दिया है, और आज जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था उसमें 650 लोगों ने सहभाग लिया, और 650 लोग डॉक्टर ने चेक करके 506 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है, और आज उल्लासनगर पुलिस स्टेशन ब्लड डोनेशन कैंप में 506 बैग डोनेट हुआ है, और 506 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। इतना अच्छा हमको उल्लासनगर शहरवासियों ने हमको उल्लासनगर पुलिस स्टेशन को अच्छा प्रतिसाद दिया है, और हमने बोलने के बाद, आह्वान करने के बाद उल्लासनगर शहर के युवा वर्ग ने हमको अच्छा प्रतिसाद देके, अच्छा सहयोग करके 506 बैग का हमने टारगेट कंप्लीट किया है। इस ब्लड डोनेशन में जो क्रीड़ा संस्था, सामाजिक संस्था और जो सांस्कृतिक संस्था, NGO, ये इनके जो कार्य करते हैं, उन्होंने हमको अच्छा सहयोग दिया है। शहर के लोगों ने हमें मार्गदर्शन किया है और अच्छा सहयोग दिया है। तो ये सब शहरवासियों और ये संस्था के वजह से इतना अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप हमारा सक्सेस हुआ है। तो मैं उल्लासनगर शहर के हर नागरिक को और जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है उनको, और हमको अच्छा सा जो ब्लड डोनेशन के लिए सहकार्य किए हैं, वो सभी का मैं शुक्र अदा करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राजेंद्र कदम, इन्होंने आज पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में जो NGOs हैं, तरुण मंडल है और संकल्प ब्लड बैंक, इनकी मदद से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। ये एरिया के बहुत सारे लोक प्रतिनिधि, NGOs, आरादवाड़ी जेल के श्री सदाफुले साहब और उनके नेतृत्व में, उनके प्रोत्साहन से जो NGO बच्चे काम कर रहे हैं, ये सभी लोगों ने आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है। अभी तक करीबन 100 से भी ज़्यादा युवकों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है। ये
खून का नाता जोड़ने का अभियान है, ये अभियान को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम अपने या उल्हासनगर शहरा ECP साहब श्री राठौड़ साहब, तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री कदम साहब व जो संपूर्ण आपला पोलीस बांधव स्टाफ आहे, अधिकारी व कर्मचारी वृंद, यांचं मी खूप खूप आभार मानतो। पोलीस वर्धापन दिनानिमित्त जो 2 जानेवारी होता त्याचा स्थापना दिवस असल्या कारणाने आज या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे साहेबांनी आम्हाला सांगितले। आपल्या शहरातील जे सर्व सांस्कृतिक सामाजिक मंडळ आहेत, तसेच NGO आहेत, क्रीडा संस्था आहेत, काही जिम ट्रेनर आहेत, या सर्वांना एकत्रित घेऊन या संघटित रक्तदान शिबिराचं आयोजन आपण पोलीस स्टेशन आणि महाराष्ट्र मित्रमंडळ शाळा या दोन्ही ठिकाणी केलेलं आहे। तुम्ही बघत असाल की या संपूर्ण शिबिरामध्ये 1 ते 1.5 तास झालेला आहे, पण जवळपास 150 आसपास डोनर्स या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत। तर या डोनेशनमधून जे काही रक्तदान होणार आहे त्या रक्तदानाचा उपयोग जे आपले थलसेमिया पेशंट आहेत त्यांना, तसेच शहरातील जे गरजू लोक आहेत त्यांना होणार आहे। आपण कॅम्पचे आयोजन वर्षातून 2 ते 3 वेळेस करतो, पण आमचं हे भाग्य आहे की आम्हाला पोलीस बांधवासोबत हा कॅम्प करायला मिळाला। याहीपेक्षा अजून चांगलं सामाजिक कार्य या सर्व संस्थांना घेऊन आम्ही त्यांच्यासोबत करू। सर्व रक्तदात्यांना विनंती की आपण या रक्तदान शिबिरामध्ये सामील व्हा, मोठ्या प्रमाणामध्ये रक्तदान करा आणि या कार्यक्रमाला प्रतिसाद द्या। धन्यवाद।